लेकिन स्पाइनल की हमने बात की, इसकी भी बात की, इंटेस्टाइन की भी बात की। उसके अलावा आपने फरमाया था कि है तो बड़ी रेयर हो, लेकिन ये दिमाग तक पहुंच जाती है जी। हाँ। दिमाग की जो झिल्लियां हैं, मेनिंजियस जिसे कहते हैं, तो उसकी अलामत क्या होंगी अगर किसी शख्स को ये पता लगे कि वो जो टीबी है वो बढ़ते हुए और कॉम्प्लिकेशन के तौर पे जी। वो दिमाग को मुतासर करे तो वो क्या होगा, उसकी अलामत क्या होगी? देखिए जो कॉमन सिम्टम्स हैं 50-60% केसेस में तो वो रहती हैं, खांसी, बुखार, दर्दें और वेट लॉस और इस तरह की टीबी की खास क्लासिकल अलामत। लेकिन सरदर्द और मतवातर सरदर्द, उसके साथ उल्टी और बुखार, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आप सस्पिशन रेज कर सकते हैं कि ये मेनिंजाइटिस तो नहीं है। अच्छा जी। और ये जो मेनिंजाइटिस, मुझे करेक्ट कीजिएगा, गर्दन तोड़ बुखार को कहते हैं? बिल्कुल हाँ जी। बच्चों में भी होता है ये? बड़ों बच्चों में बड़ा ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। यंग एज में थोड़ा अनकॉमन है, एल्डरली जैसे होता है उनमें काफ़ी अनकॉमन है। तो बच्चों में इसका इंसिडेंस जो है वो बड़ों की नस्बत ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन वो जो उसकी तो कोई ना कोई वैक्सीन है ना, मैंने सुना है कि प्रोटेक्टिव वैक्सीन, निमोकॉकल, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो प्रोटेक्टिव तो जी हाँ, वो प्रोटेक्टिव तो अगेंस्ट डिफरेंट बैक्टीरिया है जी, लेकिन इसकी कोई नहीं है अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस तो ऐसा नहीं है। खासतौर पर जब डिजीज़ हो जाती है तो ऑब्वियसली उसका तो एक पूरा इलाज इम्पॉर्टेंट है, और एज सुन एज पॉसिबल उसका इलाज होना चाहिए। ठीक है। वन ऑफ द सीरियस एक्यूट मेडिकल एमरजेंसीज है। उसमें एक्यूट का मतलब ये है कि फौरी तौर पे आपने एमरजेंसी जाना है जी हाँ, या एम्बुलेंस को कॉल करना है? बिल्कुल। और हॉस्पिटल में कम से कम एटलीस्ट एक आध हफ्ते का स्टे होता है, वो कम से कम होगा उसकी तशखीस के लिए और उसकी प्रॉपर इलाज के लिए। ठीक है। यूसुफ भाई ने हमें मुतवज्जे किया था प्रिवेंशन की तरफ, मैं फिर उधर ही आता हूँ क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो प्रिवेंटिव है।